अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम एंड एचसीएफ एक साथ फाइंड आउट करना सीखेंगे 672 एंड 120 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास यहाँ दो या दो से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और इन तीनों वैल्यूज़ के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 6 है, सेकेंड वैल्यू हमारे पास 72 है एंड थर्ड एंड लास्ट वैल्यू हमारे पास है 120। जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उसे हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना। और डिवाइड किससे करना होता है? डिवाइड हमें करना होता है प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर्स के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह से कंटिन्यू रहते हैं। इसमें से भी जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमें वहाँ से स्टार्ट लेना होता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 तो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ तीनों ही वैल्यूज हमें 2 से डिवाइड होती हुई नज़र आ रही है, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, 3 खुद एक प्राइम नंबर है 3, क्योंकि अपने टेबल में आता है 1 पे। यहाँ हमारे पास 72 है, लास्ट में इवन नंबर है तो इसे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में लेकिन 7 नहीं आता, तो छोटा नंबर 6 आता है 3 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 2 के पास और बन गया 12, और 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। ये बन चुका है 36। जब तक इवन नंबर है ये वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। ये बन चुका है 18, जो कि 2 के टेबल में आता है 9 पे। 9 जो है वो ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, इसलिए 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे, और 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। 120 के लास्ट में 0 है, इसलिए ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे, 2 टाइम 0 इज 0। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे एंड 2 टाइम 0 इज 0। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 0 के पास और बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। 15 हो चुका है ये, जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, अभी 3 से डिवाइड होगा। 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे, और 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। यहाँ 5 को 5 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 खुद एक प्राइम नंबर है। यहाँ हम जो है इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इनके प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका एलसीएम और फिर एचसीएफ जो है वो फाइंड आउट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स को कुछ इस तरह लिख लेंगे। 6 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 72 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। 120 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और लास्ट में है मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमें सबसे पहले इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले देखेंगे ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जिनका तीनों में पेयर बन रहा है। तीनों में पेयर बनेगा तभी हम पेयरिंग कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ये एक 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, ऐसे हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा एक ये हमें यहाँ 3 का पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया बस। और ऐसा हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा जो कि तीनों में मौजूद हो। यहाँ देखिए इस 2 की इन 2 में तो पेयरिंग हो रही है लेकिन तीसरे में नहीं हो सकती। इसलिए जब हम तीनों में पेयरिंग करने के बाद हमारे पास ये 2 ही जो है वो कॉमन फैक्टर्स आए, तो यही इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 टाइम 3 इज 6, मीन्स हमारे पास यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है जो कि है 6। अब इसी को हम कंटिन्यू करते हुए इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम के लिए हम 2 में भी अगर पेयरिंग हो रही होती है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एचसीएफ का आंसर लिखेंगे जो कि हमारे पास आया था 6। उसके अलावा हमें ये एक पेयरिंग इस 2 की नज़र आ रही है और एक और इस 2 की नज़र आ रही है, तो ये 2 ये पेयर बन के बाहर आ गया, ऐसे हमने एक बार लिख लिया। ये भी पेयर बन के बाहर आ गया, ऐसे भी हमने एक बार लिख लिया, ठीक है। इसके अलावा ये 3 और 5 रह गया है जिनकी पेयरिंग नहीं हो रही। आखिर में हम वो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे जिनकी कोई पेयरिंग नहीं हो रही थी, और अब इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। 6 टाइम 2 इज़ 12, 12 टाइम 2 इज़ 24, 24 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से, वो हम रफ़ में कर लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 टाइम 4 इज़ 12 का 2 1 कैरी, 3 टाइम 2 इज़ 6 प्लस 1 7, 72 को हमें लास्ट से मल्टीप्लाई करना है 5 से। 5 टाइम 2 इज़ 10 का 0 1 कैरी
एंड 5 टाइम्स 7 इज 35 प्लस 1 36 मींस हमारे पास यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम भी आ चुका है इन तीनों वैल्यूज़ का जो कि है 360। देखा आपने कितनी जल्दी से बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो को पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।